लड़की का दिल छोटा होता है, उसमें केवल उसके परिवार वालों के लिए बॉयफ्रेंड या पति का जगह रहा, लेकिन लड़कों का दिल इतना बड़ा बनाया भगवान, गर्लफ्रेंड का, उसकी सहेली का, पत्नी का, साली का, उसकी सहेली का, अरे इतने कमीने होते हैं कि दोस्त की गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ते हैं। जिसमें सबसे पहला सत्य है, ये सब पे लागू होता है कि संसार दुखों से भरा हुआ है। कोई व्यक्ति कह दे कि उसे दुख नहीं है, संसार किससे भरा हुआ है? दुखों से भरा हुआ है। विद्यार्थी जीवन भी दुख से भरा है, अब तो भैया शिक्षक जीवन भी भर गया है। लड़का 200 में 200 पा रहा है, रिजल्ट नहीं हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो कितना पढ़े और टीचर कितना पढ़ा दे। भाई एक हरामीपन की भी पराकाष्ठा होती है, समझ में आ गया कि नहीं है? सच्ची मोहब्बत की थी तुमसे ए एसएससी, पर तू तो धंधे वाली निकली। क्या क्या कीजिएगा अब हम? आपका गुस्सा नहीं आता है? हमारा बस चलता ना, अगर मेरे सामने मिल जाते ना तो हम, मेरे पैर में फिर जूते नहीं रहते हैं। वो आप समझदार हैं, वो जूते कहाँ चले जाते हैं? तो पूरा संसार दुखों से भरा है, लाइव क्लास भी दुखों से भरा है, एसएससी का भी हाल वही है। सबको पता है कि वैकेंसी 19 में आई थी और 24 में ही वो क्लियर होगी, वो भी 24 हेलने के बाद, 24 24 हेलने के बाद। वो भी आपको पता है कि 19 में कुछ था, क्या था? चुनाव। 24 में फिर होने वाला है चुनाव। तो हम लोग चलिए ध्यान दीजिए, तो संसार किससे भरा हुआ है? दुखों से। सबको, उसके बाद महात्मा बुद्ध ने कहा कि हर दुख के पीछे कोई ना कोई एक ठोस कारण जरूर है, कोई ना कोई एक ठोस कारण जरूर है। ऐसा नहीं है कि बिना मतलब का दुखी है, समझे में नहीं। कभी कभी इंसान के ऊपर एक हेडेक हो जाता है, देखेंगे ना, सर दर्द करने लगेगा आपको, समझे में नहीं है कि क्या टेंशन है आपको। कभी कभी ऐसा होता है, लॉकडाउन में हमको भी हो गया था, दिन भर पढ़ाने का आदत, लॉकडाउन में घर बैठा लो, समझे में नहीं आता था क्या हुआ है भाई। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, पूरी दुनिया में जितने दुख हैं, हर दुख का कोई ना कोई एक ठोस कारण है। आपका कारण है आपका जल्दी जॉब नहीं हो रहा है, कई ठोकों को जॉब के अलावे कोई मिल नहीं रहा है जल्दी, ये भी कारण है, बहुत बड़ा बड़ा कारण होता है, होता है कि नहीं होता है? हाँ, लड़की सब में भी कारण होता है, उन लोग को लड़की कम होती है सभी सेमेस्टर में, सब बराबर रहता है, समझ में आ गया? ऐसा थोड़े, चलिए ध्यान से समझिए। तो हर दुख का कोई ना कोई क्या है, एक ठोस कारण है। लाइव वाले आप लोग का भी कारण है? सर वो कह रहा है कि सर मेरा कारण एक्स वाला है। अरे लड़की का एक्स होता है रे, लड़का का तो एक्स वाई जेड सब। लड़की का दिल छोटा होता है, उसमें केवल उसके परिवार वालों के लिए बॉयफ्रेंड या पति का जगह रहा, लेकिन लड़कों का दिल इतना बड़ा बनाया भगवान, गर्लफ्रेंड का, उसकी सहेली का, पत्नी का, साली का, उसकी सहेली का, अरे इतने कमीने होते हैं कि दोस्त की गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ते हैं। तो आप बताओ किसका दिल बड़ा? लड़का का, लड़कों का दिल होटल होता है, होटल। चलो ध्यान से समझो, उधर से माइक का गड़बड़ हो रहा जी। देखो हर दुख का कोई ना कोई क्या है, कारण। और अगर महात्मा बुद्ध ने कहा कि हर दुख का कोई ना कोई कारण है, लेकिन हर कारण के पीछे केवल और केवल इंसान की इच्छा छुड़ी है, हमें क्या है, इच्छा है, जिसे हम क्या कहते हैं, उम्मीद। ये ससुरा सच में सबसे बड़ा दिक्कत है, इच्छा है। अब मान के चलिए आपकी इच्छा थी आपका नौकरी होने का, कट ऑफ से पीछे रह गए तो दुख तो है, बट कारण क्या है, इच्छा। अब आप बताइए, जिसे इच्छा ही ना है कि हमें नौकरी करना है, तो उसको स्पेशली तो नौकरी को लेके कोई दुख नहीं होगा, कभी दुख नहीं होगा। अब मान के चलिए किसी को इच्छा ही नहीं है, हमको हेलीकॉप्टर में घूमना है, जैसे आप सब में किसी की इच्छा है हेलीकॉप्टर में घूमने की, पहले ठेला पे घूम,